निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार आईटीआई कैंपस में 500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए उद्देश्य से बनाए जाने वाले गारमेंट फैक्ट्री के कार्य गति का जायजा लेने जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा सहित निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने निरीक्षण किया एवं कार्य का शीघ्रता से पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। लगभग 3300 स्क्वायर फीट में गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था तथा किड जोन के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए 45 दिवस की ट्रेनिंग दी जाएगी। कलेक्टर श्री मीणा ने सभी कार्य को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री के पास महिलाओं के सुविधाओं के लिए कैंटीन प्रारंभ करने कहा है, जिसके अलावा खुर्सीपार जोन के मंगल भवन में बीपीओ के कार्य का जायजा कलेक्टर ने लिया, कार्य की प्रगति देखी तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बीपीओ सेंटर खोला जा रहा है। नगर के समीप उद्यान में तारा मंडल का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां लोग चांद, सूरज, तारे, आकाश एवं खगोलीय घटनाओं को इसके जरिए देख पाएंगे। जिले का यह पहला तारा मंडल भिलाई में होगा। कलेक्टर ने कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय के द्वारा तारा मंडल को लेकर निरीक्षण किया गया था, और इसके अलावा जो हमारे दो प्रोजेक्ट और चल रहे हैं गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो घोषणा थे बीपीओ का सेंटर खुलने का और इसके अलावा गारमेंट फैक्ट्री का, तो इसकी जो तैयारी है उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय और माननीय लक्ष्मण तिवारी आईएएस सर उनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के उपरांत जो है तारामंडल के प्रोग्रेस को लेकर कलेक्टर साहब ने कहा है कि इसका जल्द ही इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लें और जो चारों ओवर लैंडस्केपिंग का कार्य जो बचा है उसको कर लें। इसके अलावा जो गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ पर एक कैंटीन खोलने के लिए कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, और उन्होंने बीपीओ कॉल सेंटर का निरीक्षण करते हुए इसके जो जितने भी काम हैं उसको पेंडर करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने उद्यान में तारामंडल के समीप आकर्षक लैंडस्केपिंग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, ताकि यहां आने वाले लोगों को उद्यान सुंदर प्रतीत हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।